खेसारी जी, आपने क्या कुछ मदद मांगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम मंत्रीगण से? सर पे मैंने यही मदद मांगी है कि देखिए, पर्सनल चीजें पे अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत 24 घंटा काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को बोल रहा है ठीक है, क्योंकि अब बात मेरे घर परिवार तक, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे माँ के ऊपर, अब सोशल साइट से कोई गाली दे, और एक दिन की ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं 1.5 साल से कहीं ना कहीं परेशान हूँ कुछ लोगों से, लेकिन अभी हद हो गया है कि अब कोई मेरे परिवार को रेप करने की धमकी दे। तो मेरे कहने का मतलब कि मुझे ही नहीं, अगर ये इस पे स्टॉप नहीं लगा और इन लोगों को सजा नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि बिहार के हर उस नागरिक को ये लोग गाली देते रहेंगे, हर उस सम्मानित व्यक्ति को गाली देते रहेंगे। और मुझे कानून पे भरोसा है, लेकिन अगर कानून कुछ नहीं करता है तो मुझे अपने ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने जनता पे भरोसा है, आप जैसे पत्रकारों पे भरोसा है, जो समाज के आईना है। तो मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ इंसाफ करेंगे और मेरे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि देखिए ये आज की बात नहीं है, अगर इनका मन ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि भजपुरी और बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। खेसारी जी, क्योंकि यूट्यूबर गौतम सिंह का नाम सामने आया है, क्या आप उन्हें निजी तौर पर भी जानते हैं? जी नहीं, मैं उनको निजी तौर पे कभी ना कभी बात किया उनसे, और ना ही मेरा उनसे कोई लेना देना है, और ना ही कभी मैं उनसे मिला हूँ, और ना ही कभी उनसे मिलने की प्रयास की मैंने, क्योंकि मेरे पास काम इतना है कि मैं उसी में उलझा रहता हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहता हूँ, मैं अपने फैन को प्यार हमेशा कोशिश करता हूँ जो उनके अपने अच्छे संगीत से, अच्छे काम से उनको हमेशा मोहब्बत मिले और उनको मैं मोहब्बत दूँ। खेसारी जी, अभी अभी आपने मदद मांगी है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब ये सीमा से बाहर की बात हो गई और आपको मुख्यमंत्री से तलब करनी पड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि समाज के आईना जो होती है वो पत्रकारिता होती है, एक न्यूज रिपोर्टर होता है और अखबार होता है, और जब बेटियों की बात आ जाए, किसी औरत की बात आ जाए, मुझे कोई भला बुरा बोलता है तो मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बोल रहा है, बट आज एक बेटी की बात है, आज एक औरत की बात है, और मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी को लगेगा कि नहीं, मैं बिहार का बेटा हूँ और मेरा भी एक सम्मान है, तो शायद अगर मेरी फैमिली को अपना फैमिली समझेंगे तो जरूर शायद इस पे एक्शन लेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर कुछ एक्शन नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये चीजें सारी मुझे अपने फैन पे सौंपनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर मुझे दूसरा रास्ता यही अपनाना पड़ेगा कि मैं अब धरना पे बैठूंगा, क्योंकि अब इज्जत से बढ़कर कुछ तो है नहीं जी। मुझे यही लगता है कि अब मुझे विरोध करने के लिए अब रोड पे उतरना पड़ेगा, तभी ये चीज खत्म हो पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक को नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी के हर उस कलाकारों को ऐसे ही टारगेट करके उनकी माँ बहनों की गालियां, किसी लड़की को बेइज्जत कर देना, उनके घर तक पहुंच जाना, और सोशल साइड पे बताइए, पूरी दुनिया अगर ये सुनती होगी तो भोजपुरी के बारे में उनका क्या ओपिनियन होता होगा कि भोजपुरी के लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी ऐसी मानसिकता है, तो सिर्फ वो मुझे ही